और दोस्तों कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं इटली इटली में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। और मैं इंडिया राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से। तो आज हम दोस्तों जा रहे हैं एक शॉपिंग मॉल। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इटली का शॉपिंग मॉल और हम करते हैं अपने पहले वीडियो की शुरुआत। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम सब अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अभी मार्केट के लिए। तो आइए चलते हैं। तो करीबन आधा घंटे का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इस शॉपिंग मॉल, जिसका नाम है रोमानिया शॉपिंग वाले और इसको इपर के नाम से भी जानते हैं। हमारे घर से करीबन ये 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है और अब हम इंटर कर रहे हैं इस मॉल के अंदर, जो कि कपड़े का ये शोरूम है या मॉल बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों एक आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका एक और पार्ट है इस मॉल का, और ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। और इस पार्ट में लगभग आपको या कहें कि मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये काफ़ी शानदार है अंदर से, क्योंकि सारी खूबसूरती कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती, क्योंकि देखने में जो एक आनंद है या देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो अलग ही होती है। तो इसके अंदर का आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक प्लेन की तरह इसको सजाया गया है। अभी क्रिसमस चल रही है तो काफ़ी शानदार इसकी डिज़ाइन की गई है। तो अंदर का दृश्य देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि यार कितना अच्छा इसका मतलब आकार है अंदर से, और आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं तो काफ़ी शानदार है दोस्तों। और हम थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने पिछले वो मार्केट था उससे की थी और अब थोड़ी बहुत इससे कर रहे हैं। और दोस्तों ये एक इस बड़े मॉल का एक पार्ट है जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी खाने पीने की, और जो भी आपकी आवश्यकता या चीज़ होती है वो सारी कुछ यहाँ पर मिल जाती है। और इसका एक बहुत ही ये बड़ा पार्ट एक ये भी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रूट वगैरह के, तो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। दोस्तों मैं यहाँ मीडिया वर्ल्ड में आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, तो यहाँ से मैंने एक सेल्फी स्टैंड और वीडियो बनाने के लिए अपने यूट्यूब के लिए ये स्टैंड खरीदा है। तो दोस्तों हमने शॉपिंग वगैरह तो कर ली है और अब जैसे ही घर जाने के लिए हम तैयार हुए तो ये विंसी रोने लगी, बोली मेरे को ये गाड़ी चलानी है। तो हम वापस मॉल में आके इसके लिए कुछ सिक्के लाए थे, तो इसमें गाड़ी में डालने पड़ते हैं, तो ये सिक्का डाल के और इसको कुछ देर के लिए इसमें खिलाकर और फिर हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, अमूमन यहाँ पे 5 बजे तक दिन जो है जो ढल जाता है। तो ये नाइट का नज़ारा है जो कि मॉल का, ऐसा है चारों तरफ मॉल है और बीच में ये पार्किंग है गाड़ियों की, और अब एकदम
काफी थक चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाकर हम दिखाएंगे आपको कि हमने क्या खरीदा है। तो आइए चलते हैं घर। तो दोस्तों अब हम शॉपिंग करके आ चुके हैं घर, काफी थकान भी हो चुकी है, और हमने शॉपिंग में कुछ कपड़े खरीदे थे विंसी के लिए, क्योंकि अभी क्रिसमस डे आ रही है। और ये मैंने ट्राइपॉड खरीदा था वहां से, मीडिया वर्ल्ड से, अपनी फोटोशूट के लिए। और ये गिफ्ट खरीदा था विंसी के दोस्त का बर्थडे है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और बाय।